हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने लगे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एंजाइम को डिस्कस किया था, अब हम एंजाइम के उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगे हैं कि जिसकी बेस के ऊपर एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर सकते हैं। वो कौन सी उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले एंजाइम के इंट्रोडक्शन से, enzymes are the biological catalysts that speed up the chemical reaction without using in it. पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि एंजाइम ऐसे बायोकेमिकल एजेंट होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं और खुद उसमें यूटिलाइज नहीं होते, एंड पर खुद उसी तरह बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ियां काट कर एक तरफ ढेर कर दी, हमारी कुल्हाड़ी उसी तरह बच गई है। बिल्कुल इसी तरह से जो है एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और खुद उसी तरह एंड पर बाकी बच जाते हैं। किन खूबियों के मालिक होते हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के मालिक होते हैं, आइए देखते हैं जनाब। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की कुछ मेन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। नंबर वन, All enzymes are globular protein except ribozyme that is composed of RNA found in ribosomes. सारे के सारे enzyme protein हैं। Globular protein वो होती हैं जिनकी globular यानी गोल सी शक्ल होती है, ठीक है। सारे enzymes protein हैं except ribozyme. Ribozyme एक वाहिद enzyme है जो कि ribosomes में पाया जाता है और ये RNA यानी ribonucleic acid से बना हुआ होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। सेकंड नंबर पर जनाब, दे आर सिक्रीटेड बाय सेल्स एंड आर मेड अप ऑफ 60 to 2500 अमाइनो एसिड। सारे के सारे तकरीबन सेलों के अंदर से सिक्रीट होते हैं, सेल इन्हें सिक्रीट करते हैं, पैदा करते हैं, और इनकी चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ होती है, कुछ छोटे होते हैं जो सिर्फ 60 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। इस तरह से बढ़ते 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 इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2500 अमाइनो एसिड तक पहुंच जाती है, यानी सारे एंजाइम्स इस रेंज के बीच में अमाइनो एसिड से बने होते हैं। हर एक एंजाइम्स के बीच में तकरीबन इस रेंज के अमाइनो एसिड लगे हुए होंगे। नंबर थर्ड, दे आर द बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सो आल्सो कॉल्ड बायो एक्सेलरेटर्स। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, कैसे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। एक्टिवेशन एनर्जी से ये मुराद है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं और गाड़ी के आगे एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल यहाँ एक जंप आ गया, एक खड्डा सा आ गया, ठीक है, एक जंप आ गया, एक ऊंचा टीला आ गया। एक तो तरीका यह है कि आप उसमें जोर ज्यादा लगाएं, दूसरा तरीका यह है कि आप उस टीले को आगे से थोड़ा सा किसी भी चीज से काट लें, नीचे कर लें, तो गाड़ी आसानी से गुजर जाएगी। इसीलिए वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, आगे से जो बैरियर होता है जिसको रोक रहा होता है उसको हटा लेते हैं, इसलिए रिएक्शन तेजी से प्रोसीड हो जाता है। इसलिए इनको बायो एक्सेलरेटर भी कहा जाता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। अगला है जनाब, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक सो कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। इन सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, जो लकड़ी काट सकता है वो लोहे को नहीं काट सकता, ठीक है, जो लोहे को काट सकता है वो डायमंड को नहीं काट सकता, जो डायमंड को काट सकता है वो पत्थर को नहीं काट सकता। इस तरह से हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है और वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को ही एक्टिवेट कर सकता है। हाँ, करीब करीब के चीजों को, मैं भी एक लकड़ी को काट रहा है तो वो उसके साथ रबड़ की चीज को भी काट सके, यानी करीब करीब की जो चीजें हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, उनको शायद वो काट सकते हो, काम कर सकते हो, उनको तेज कर सकते हो, लेकिन ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, किसी खास सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकते हैं, सबके ऊपर एक एंजाइम काम नहीं करता। A small amount of enzyme is needed to catalyze large amount of, बहुत बड़ी लकड़ियों का ढेर है काटने के लिए एक कुल्हाड़ी काफी है, ठीक है जी। इसी तरह से एक बड़ा सा सबस्ट्रेट का ढेर है, ठीक है जी, एक बड़ा सा मिकदार है, लार्ज अमाउंट है, उसे काटने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एंजाइम है वो काफी होता है और वो उसको कैटेलाइज पूरे के पूरे को कर देता है। उसके बाद है जनाब, इन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस मोर देन वन एंजाइम्स वर्क टुगेदर वन आफ्टर द अदर। जो बड़े केमिकल रिएक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे आपके पास मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस है,
ग्लाइकोलाइसिस है, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं। पहले एक एंजाइम काम करता है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट अगले एंजाइम को मिलती है, अगला एंजाइम उसके ऊपर काम करता है, वो एक और प्रोडक्ट बनाता है और वो उससे अगले को ट्रांसफर करता है। इस तरह से जो है मुख्तलिफ एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ये एक फॉर एग्जाम्पल ये लंबी सी चेन है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इन पर एक एंजाइम ने काम किया है और इसको छोटी चेन में, दो छोटी चेन में बदल दिया है। अब इसके ऊपर एक और एंजाइम काम करेगा और वो इसे मजीद छोटी छोटी चेन्स में डिवाइड कर देगा। इस तरह से एक के बजाय ये एक दो तीन एंजाइम रेगुलरली काम कर रहे हैं, एक की प्रोडक्ट को दूसरा काट रहा है, दूसरे की दूसरा काम कर रहा है। तो इस तरह ये बड़े केमिकल रिएक्शन में एंजाइम यू काम कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जनाब एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के एंड पर मैंने कहा कुल्हाड़ी उसी तरह बच जाती है, वो लकड़ियों के साथ जाया नहीं होती। इसी तरह एंजाइम जो होते हैं ये भी एंड ऑफ रिएक्शन में बाकी बच जाते हैं और इवन रीयूज भी किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो दोबारा यूज हो सकते हैं। एंजाइम कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एंजाइम ने कोई चीज बनाई, पहले उसका जो जायका था वो मीठा होता, अब कड़वा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रिएक्शन को तेज करते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करते, ना उसकी पीएच को इफेक्ट करते हैं, ना उसकी जो है वो रंग को इफेक्ट करते हैं, ना कलर को इफेक्ट करते हैं, ना उसके क्या कहते हैं जायके को इफेक्ट करते हैं, किसी चीज को इफेक्ट नहीं करते। एंजाइम वर्क एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 5°C to 40°C, एक बड़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो ये सारी टेम्परेचर रेंज के अंदर काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें टैग पॉलीमरीज कहा जाता है, ये टैग पॉलीमरीज 90° में भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर जो एंजाइम होता है वो 90° में भी डिनेचर नहीं होता, उसमें भी काम करता है, लेकिन ये एक नॉर्मल रेंज है जिसके अंदर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद जनाब enzymes functions is affected by the change in temperature, change in pH और enzyme concentration and substrate concentration। ये वो चार चीजें हैं, इन्हें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो एंजाइम की वर्किंग को अफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से भी एंजाइम का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, पीएच के चेंज होने से भी होता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाए उससे भी चेंज होता है, या सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन के कम होने से ज्यादा से भी होता है। एंजाइम कैन वर्क बोथ इन विवो यानी इनसाइड द लिविंग बॉडी एंड इन विट्रो आउटसाइड द लिविंग बॉडी, यानी लिविंग बॉडी के अंदर भी काम कर सकते हैं और बाहर निकाल कर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट के अंदर जो एंजाइम होता है हम उसे निकाल कर बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट में, वाइन वगैरह बनाने में बॉडी से बाहर इस्तेमाल करते हैं, वहां भी वो काम कर रहा होता है। आखिरी पॉइंट है जी, some substances like coenzymes like metallic activators can increase the activity of enzyme। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हम coenzymes कहते हैं, cofactors कहते हैं, metallic activators वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो enzyme की activities को तेज कर सकती हैं, जबकि दूसरी चीजें इसकी activities को कम कर सकती हैं जिन्हें enzyme inhibitors कहा जाता है। enzyme inhibitors में खास तौर पर lead है, silver है, mercury है, copper है, इस तरह से बहुत सारे poison है जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज को स्लो डाउन करते हैं, कम करते हैं। ये जनाब वो चीजा चीजा एंजाइम्स की एक्टिविटीज हैं, सॉरी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज हैं जो कि एंजाइम की वर्किंग में बहुत अहम होती हैं। होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा ये लेक्चर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।